आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को कैसे पास कराया जाए यह परीक्षा। अब हम यह मान लेते हैं कि छात्रों को जो पढ़ाई करनी थी कर ली, कल परीक्षा है या एक दो दिन बाद परीक्षा है, जो उन्हें पढ़ना था वो पढ़ लिया, जो शिक्षकों को पढ़ाना था उन्होंने वो पढ़ा दिया है, उस दिन कैसे पेश आएँ, कैसे ये परीक्षा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें पास हो सकें। तो चलिए थोड़ा जानकारी लेते हैं। पहले इसमें 180 क्वेश्चन आएंगे इस परीक्षा में, जो जनरल और ओबीसी है उसे 40% लाना है, मतलब 180 में से अगर वो 72 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 180 प्रश्न है, 72 अगर सही कर देते हैं तो ये जनरल ओबीसी वाले पास हो जाएंगे 72 में। और SC ST को पासिंग मार्क है इसका 32%, मतलब 180 में यदि 58 क्वेश्चन SC या ST का छात्र सही कर देता है तो वो इस परीक्षा में पास हो जाएगा। इस परीक्षा में है क्या, ये कक्षा 8 के जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, जिनके फॉर्म भराए गए, वो परीक्षा देंगे और अगर ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें 4 साल तक 1000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब 48 हज़ार रुपये 4 साल के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये परीक्षा बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसे कैसे पास करना है बहुत आसान तरीके से बताते हैं। पहले देख लेते हैं इसका प्रश्न पत्र का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रश्न पत्र 2 खंड है इसमें, 180 90 90 में बटे हुए हैं। नंबर 1 है सेट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो उनकी शैक्षिक पढ़ाई जो कर रहे हैं विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान, इससे क्वेश्चन आएंगे। 90 में कितने आएंगे, विज्ञान से 35 प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि आपका इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र ये सब है, अर्थशास्त्र थोड़े थोड़े नॉलेज से, उससे भी 35 प्रश्न आएंगे, और 20 प्रश्न जो है आपके आएंगे गणित से। तो ये सेट का जो खंड है उसका इस प्रकार से 90 प्रश्न बटे हुए हैं, 35 विज्ञान सामाजिक विज्ञान 35 और 20 प्रश्न गणित से। और इधर ये GMAT जिसको बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, इसे बहुत आसान भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनिंग। तो ये देख लिया क्या स्ट्रक्चर है प्रश्न पत्र का, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, जो भी आप टिक करते हो अगर सही है तो अंक मिलेगा, गलत प्रश्न है तो उससे कुछ काटा नहीं जाएगा, माइनस मार्किंग में काट दिया जाता है। तो चलते हैं, क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे अधिक से अधिक छात्र पास हो सकें। तो रणनीति 2 हैं, नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन, नंबर 2 पेपर सॉल्विंग स्किल्स। समय प्रबंधन क्या है, हम सभी जितने शिक्षक गण हैं उन्होंने देखा होगा जब पहली बार प्रतियोगी परीक्षा देने गए होंगे तो हम लोगों के साथ पेपर में बहुत सारी कमियां हुई होंगी, कुछ गलतियां हुई होंगी। क्या गलतियां हुई होंगी, नंबर 1 गलती ये हुई होगी कि यदि समय 3 घंटा का पेपर है तो ये जैसे कि 3 घंटे में 180 प्रश्न करना है, 1 प्रश्न के लिए समय लगभग निश्चित है, 1 प्रश्न के लिए 1 मिनट मान लिया जाए क्योंकि 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। तो हम लोग पहले बार जब पेपर देने गए थे क्या गलती हुई थी कि किसी प्रश्न में हम लोग अटक गए, मान लो कि वो प्रश्न 1 मिनट देना चाहिए, हम लोगों ने उस प्रश्न को हल करने में 15 से 20 मिनट समय दे दिया। जब 15 से 20 मिनट समय दे दिया तो और प्रश्न तो हो नहीं पाएंगे या फिर आते हुए प्रश्न हड़बड़ाहट में गलत हो जाएंगे। तो समय का प्रबंधन बहुत अच्छा है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छात्रों को बताएंगे इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक मॉक पेपर करवा सकते हैं अपने स्कूल में, जैसा कि ये हम दिखा देंगे ओमार शीट है जो कि परीक्षा में 180 प्रश्न आएंगे,
इसकी फोटो कॉपी करा के बच्चों को एक मॉक परीक्षा कराई जा सकती है। तो करना क्या है, समय प्रबंधन के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक से लेके 180 प्रश्न तक सबसे पहले एक नज़र में जाना है। पहले क्वेश्चन में गए, आ रहा है कर दीजिए, अपने प्रश्न पत्र पे टिक कर दीजिए, एक नंबर दो जो भी ऑप्शन सही हो उसको टिक कर दीजिए, एक में नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, दूसरे पे जाइए, तीसरे पे जाइए, ऐसे करके 180 तक जाइए। अगर 180 तक जाने में आपके 30 प्रश्न मान लो आप सही कर पा रहे हैं, तो पहली नज़र में आप एक प्रश्न को 10 से 15 सेकंड दीजिए। और ये नहीं कि एक प्रश्न में अगर कोई गणित का या रीजनिंग का प्रश्न है उसमें आप अटक गए, उसमें 20 मिनट खर्च कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले नज़र में 10 से 15 सेकंड में जो प्रश्न आ रहा है तो एक से शुरू करिए, 180 तक जाइए। 180 तक आप जाते जाते मान लीजिए आपने पहली बार में 30 प्रश्न कर लिए, ये क्या करना है, 30 प्रश्न अपने प्रश्न पत्र पर उसके ऑप्शन जो सही है उस पर टिक कर देना है। दूसरी बार आप गए, जिनमें थोड़ा समय लग रहा है, ज़्यादा थोड़ा समय लग रहा है, जैसे आधा मिनट लग रहा है, तो इस टाइप के प्रश्न जाइए, दूसरी बार फिर से एक से शुरू करिए, जो अटकने वाले प्रश्न हैं उनको हल करिए। फिर 180 जाते जाते मान लीजिए आप फिर आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, टोटल आपने 180 मिनट आपके पास था, आपने इसमें से 90 मिनट में डेढ़ घंटे में 50 क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए आपने 50 प्रश्न कर लिए। अब शेष कितने बचे, शेष बचे इधर 130। अब क्या करना है आपको, आपने इसमें 50 क्वेश्चन कर लिए, 130 जो बचे हैं, जब ये ऑप्शन आपने भरे हैं, मान लो किसी का एक भरा, किसी का दो भरा, किसी का तीन भरा है, इस प्रकार से क्वेश्चन में जैसे चार ऑप्शन दिए रहते हैं, एक पहला का एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें करना क्या, 50 आपने भर दिए, बचे 130 हैं, तो ये जो 50 भरे गए हैं इसमें से जो ऑप्शन सबसे कम भरा गया है, अभी इसमें वो हमारा सीट में हम भर के बता देंगे, जो सबसे कम भरा गया है उसी को पूरा का पूरा 130 उसी में भर लीजिए आप, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो गलत क्वेश्चन में भी कोई आपका मार्क कटेगा नहीं। तो आप देखेंगे इसमें लगभग इसका एक चौथाई, क्योंकि चार ऑप्शन होते हैं ना, तो इधर 50 आपको मिल गए हैं और इधर चार से भाग कर दिए, चार तीन 12, चार दो 8, तो लगभग देखेंगे कि आप 33 क्वेश्चन आपके इसमें सही हो जाएंगे। तो आपके टोटल कितने हो गए, 50 प्लस 33, ₹83 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की ओमआर सीट है, जिस पे परीक्षार्थी अपने आंसर लिखेंगे। ये दो पार्ट हैं, पार्ट एक जीमैट का है जिसमें देखिए 90 क्वेश्चन तक दिए गए हैं, 1 से 90 तक, ये रीजनिंग वाला पोर्शन है, ये सेट का है जो शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित है। तो मान लीजिए एक परीक्षार्थी ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद उसने पेपर देखा, पेपर पे वो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, परीक्षार्थी को क्या कुछ ऐसा आप ट्रिक बता के भेज रहे हैं कि अगर उसे 50 ही आ रहे हैं तो आगे कैसे करे, ये 50 क्वेश्चन किए जा चुके हैं जो कि भर दिए गए हैं, 1, 3, 4 ऐसे करके, तो 180 में से 50 उसने कर लिया है। अब परीक्षार्थी को अगर पास करना है तो कौन सी ट्रिक आप भेज रहे हैं, आपको जितना पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, परीक्षार्थी को जितने आ रहे थे उसने कर दिया, अब उसे क्या करना है कि परीक्षा वो पास हो जाए, तो मैं बताता हूँ आप क्या करना है। 50 के बाद आप देख लीजिए जो सबसे कम ऑप्शन भरा गया उसमें,
जो सबसे कम भरा गया हो, बाकी बचे हुए 130 प्रश्न में वही सब आप भर दीजिए, पूरे के पूरे भरवा दीजिए। परीक्षार्थी से बोलिए कि पूरे के पूरे वही भर दीजिए। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 4 बहुत कम भरा गया है, लगभग 4 ही ऐसा है जो कम भरा गया है। तो हम क्या करेंगे, जितने छूटे हुए हैं 50 तो उसने कर रखे हैं, बाकी सब में यही 4 भर देते हैं। इस विधि से जिन परीक्षार्थियों को मान लीजिए 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं, तब भी वो बचे हुए क्वेश्चन को जो बच रहे हैं 110, उसमें अगर ये ट्रिक अपनाता है तो उसके 20-25 क्वेश्चन बढ़ ही जाएंगे। तो जब चयन होगा तो उसमें आसानी होगी मेरिट बनने में। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि SC ST को 58 आने पर और जनरल OBC के 72 आने पर पास तो हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि छात्रवृत्ति मिले। क्योंकि मान लीजिए जिले में 400 सीट हैं और वहाँ 500 बच्चे अगर पास हो गए, 72 और 58 ले आए, तो फिर मेरिट बनेगी कट ऑफ। तो हो सकता है SC के बच्चे का 60-62 पर बन जाए, OBC जनरल का 75 पर बन जाए। तो इसमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेना है, कैसे ऐसे ही बढ़ेगा। एक छात्र जिसके अच्छे आ रहे हैं, जिसके 60-70 आ रहे हैं, तो उसके 100 पहुँच जाएंगे, जिसके 50 आ रहे हैं उसके 80-85 पहुँच जाएंगे। देख रहे हैं कि हम कैसे एक ही ऑप्शन 4 नंबर ही, क्योंकि 4 ही लगभग इसमें कम भरा गया था, सब में बचे हुए शेष में भरे दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि उसके जो 50 आए थे वो तो आ ही जाएंगे, और बचे 130 में से चौथाई भाग लगभग 33 या 35 क्वेश्चन, 35 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार उसका स्कोर 80-85 हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरा भर देंगे। देखिए एक ही भरा जा रहा है आपसे। सभी छात्र ये वीडियो जरूर देख लें, जो शिक्षक बंधु देख रहे हों वो अपने परीक्षार्थियों को ये विधि जरूर बता दें, क्योंकि ये परीक्षा पास करना बहुत आसान काम है। आपकी थोड़ी सी मेहनत से बच्चे को 50,000 रुपये मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं जो 50 आ रहे थे वो भर दिए गए थे, बाकी पूरा 4 नंबर का ही पूरा का पूरा भर दिया गया है। जनरल को चाहिए 72 प्रश्न, SC ST को चाहिए 58, तो जो भी होगा दोनों पास हो जाएंगे। तो ये समय में टाइम मैनेजमेंट के अंदर अंतर्गत ये करना है, ठीक है। रही बात पेपर सॉल्विंग स्किल, पेपर सॉल्विंग स्किल ये है कि कुछ बच्चों को 180 में 50 आते हैं और वो 50 के बावजूद 20-30 बढ़ा के 80-70 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 50 आते हैं लेकिन वो 50 में सही आने के बावजूद कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं, हड़बड़ाहट करते हैं, इससे 50 से वो 40-35-40 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं। तो ये पेपर सॉल्विंग स्किल है, पेपर कैसे सॉल्व किया जाए इसकी स्किल है। इसका ये है कि आप हड़बड़ाहट में पेपर मत हल करिए, आराम से करिए। आपके जो 50 आ रहे हैं वो तो आप क्लियर करिए। अगर प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग नहीं है तो ये वाली ट्रिक अपना के कि 130 के 30 पूरा एक ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए कि एक भरना है, आप हर प्रश्न का नंबर एक ऑप्शन आपको भरना है, तो 130 के पूरे 130 के
आ न पहला ही ऑप्शन भर दीजिए, तो उसमें आपको लगभग 33 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो 50 33 83। तो इस प्रकार से ये परीक्षा बहुत ही आसान होने वाली है। आप लोग इस ट्रिक को, सभी शिक्षकगण इस ट्रिक को अपने बच्चों को ज़रूर साझा करें बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चे फ़ायदा उठा सकें, इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सकें।